बैक स्टूडेंट टू द सेवेंथ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। तो मैंने अभी तक रेजिस्टेंस पे पूरा वीडियो बना दिया हुआ है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज सब पे अलग अलग वीडियो है, और रेजिस्टेंस पे भी दो वीडियो है, पिछले दो वीडियो में ओम्स लॉ वेरिफिकेशन सब कुछ बात कर लिया। अब बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें देखिए आपको कौन सी नहीं समझ आ रहा है, आपको करंट समझ में आ रहा होगा, आपको समझना है थोड़ा इफेक्ट ऑफ करंट और तब समझना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये इफेक्ट ऑफ करंट है क्या? तो देखिए हम लोग करंट क्यों यूज करते हैं, ऑफ कोर्स हमारे डेली लाइफ जो है करंट के बिना नहीं रह सकता है। तो ऐसा क्या है करंट में जिसके कारण हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, वो ऐसा क्या प्रोड्यूस करता है, कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारे लाइफ में, क्या प्रभाव देता है, उसी को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का इफेक्ट जो है वो मेनली तीन है, एक आपको ऊपर दिख ही रहा है हीटिंग इफेक्ट, एक जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट जिसको हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट अपने बुक में देखे भी होंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करके एक चैप्टर है, और एक है केमिकल इफेक्ट जिसके बारे में आप क्लास 8 में पढ़े हुए हैं और अगेन क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीन इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कौन कौन, एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है, तो हीटिंग इफेक्ट वो इफेक्ट है करंट के कारण जिसके कारण जब किसी बॉडी से करंट पास होता है तो वो हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सेम चीज मैग्नेटिक इफेक्ट में है कि जब करंट पास होता है किसी कंडक्टर से वो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, सो नेम्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। और है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम कोई केमिकल को तोड़ दे, केमिकल को इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक कर दे, तो वो जो है वो कहलाता है केमिकल इफेक्ट। खैर हम लोग को बात किस पे करना, हीटिंग इफेक्ट। तो अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का डेफिनेशन कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पहले यही तो पता होना चाहिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। तो हम बोल सकते हैं ये ऐसा इफेक्ट है करंट का, द इफेक्ट ऑफ करंट करंट ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस हीट, ठीक है, एक इफेक्ट है करंट का जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस हीट, ये क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। अब हीट कब प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो आप डेली लाइफ में देखते होंगे आपका फैन ज़्यादा देर चला जाता है तो हीट हो जाता है, आप मोबाइल जिसमें आप देख रहे हैं या लैपटॉप या जो चीज कर रहे हैं तो वो भी हीट हो जाता है, तो ये सब हीट और सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम कर रहे हैं, तो ये सब हीट हो जाता है। लेकिन कोई कोई चीज़ कुछ ज़्यादा ही हीट हो जाता है, जैसे हमारे घर में हीटर है, गीजर है, टोस्टर है, किडली है, वो सब कुछ ज़्यादा ही हीट हो जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो सब ज़्यादा हीट हो जाता है, वो कम हीट होता है? तो मैंने पहले ही रेजिस्टेंस जब बताया था तभी बताया था कि देखिए रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर में वो क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें आयंस है और इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल कर रहा है वो वॉल के साथ टकराते हैं जो उसके रास्ते में रोकता है, या अट्रैक्शन होता है इससे उसे रोकता है। अब इस टकराने से उसी तरह से जैसे हम हैंड को रब करने से फ्रिक्शन से हीट एनर्जी होता है, उसी तरह से इस दोनों को रब करने से, इस दोनों को टकराने से क्या होता है, हीट। तो जब हाई रेजिस्टेंस, ये एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है, जब हाई रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, ठीक है, इसमें भी आपको रेजिस्टेंस का काम जरूर पड़ेगा, तो आपको रेजिस्टेंस श्योरली देखा होना चाहिए, रेजिस्टेंस का वीडियो, रेजिस्टेंस की समझ होना चाहिए, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस जब हम लगाएंगे तो मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि ज़्यादा रोकेगा, हाई रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा रोकेगा, ज़्यादा रोकेगा मतलब ज़्यादा कोलिजन होगा, और कोलिजन ही कारण क्या है, हीट का। तो द इफेक्ट ऑफ करंट ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस हीट, कब हीट प्रोड्यूस करेगा, जब उसको व्हेन पास्ड थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस, व्हेन पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस। ऑफकोर्स दूसरे हाई रेजिस्टेंस नहीं भी रहता, हम लोग कॉपर से भी पास करते हैं, उसमें भी हीट इफेक्ट हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन उस वो हम लोग यूज नहीं करते हैं, वो वेस्टेज है एक तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का, और वो हो ही जाता है हमेशा 100% एनर्जी हम लोग अभी तक यूज नहीं कर पाए कोई चीज में, ठीक है। इट प्रोड्यूसेज व्हेन पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस, जब कोई हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस से पास करता है, हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर बोले, सब्सटेंस बोले, वायर बोले, ठीक है, सब्सटेंस यानी वायर, किसी वायर से जब करंट पास करता है और हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हाई रेजिस्टेंस से पास करे तो अच्छा बात है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्यों होता है, तो रेजिस्टेंस होता है कोलिजन के कारण, ठीक है, किसके किसके बीच का कोलिजन, तो हो सकता है कोलिजन हो बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड वॉल, और हो सकता है अट्रैक्शन हो किसके बीच में, पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके कारण रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मतलब सिंपली रुकावट, और ये कोलिजन के कारण क्या होता है, हीट। उसी तरह से जैसे हम लोग हैंड को रब करके हम अपना मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, और उस मैकेनिकल फोर्स से क्या हो जाता है, हम लोग हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रियली में हीटिंग इफेक्ट में हो क्या रहा है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, किस लॉ पे काम करता है, या क्या रूल है इसका, तो इसका रूल सिंपली एक ही है, क्या है, ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है किस चीज़ को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी।
उसी तरह से जैसे हम लोग हैंड में करते हैं, हम लोग अपना मैकेनिकल एनर्जी, हमारा जो हाथ है मैन का एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम लोग हीट एनर्जी में बदलते हैं, उसी तरह से यहाँ क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज इंटू या चेंज बोले या कन्वर्टेड ट्रांसफॉर्म से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस का रोल है वो वही है जो हम लोग का हाथ को रब करने का था। अब देखिए कंडक्टर जो है कोई भी कंडक्टर, ठीक है मान लीजिए कोई वायर है जो रेसिस्टेंस देता है उसे करंट फ्लो करता है, तो कुछ करंट फ्लो करने के लिए हमको कुछ काम तो करना होगा, जिस काम को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कोर्स, तो वो काम तो होगा करना, उस काम को हम लोग कैसे निकाल दे, तो आपको यहाँ याद करना पड़ेगा। अब मैं अगेन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो जो काम करेगा जब वायर में जब भी कोई चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको कोई काम करना पड़ता है ना, जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, तो वो जो काम है उसका फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग को याद है बी जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से अगर वर्क निकाले तो वर्क क्या आ जाएगा बी इंटू क्यू, क्या आ जाएगा वर्क इक्वल टू बी इंटू क्यू। ऑफकोर्स इस वीडियो देखे होंगे मुझे उम्मीद है। और एक और हम लोग, तो ये आपका एक वर्क हो गया, और वर्क इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है एनर्जी के। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं हीट एनर्जी, कितना हीट एनर्जी एक्सपेंड हो रहा है, तो ये एनर्जी के बराबर हो गया, क्योंकि एनर्जी क्या है, एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। आप लोग जानते होंगे क्लास 9 से ही कि एनर्जी और वर्क एक तरह से इक्विवेलेंट है, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, दोनों का यूनिट भी जूल होता है। तो एक तो फॉर्मूला ये आ गया, और एक हम लोग अगर और ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए करंट का क्या फॉर्मूला है, तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू आई टी। अब इस क्यू का वैल्यू अगर यहाँ रख दूँ मैं तो डब्ल्यू या इसी को मैं अगर एनर्जी लिखूँ हीट एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला बन गया, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी इंटू क्यू की जगह रख दिया माई आई टी। तो ये एक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हीट एनर्जी का, तो एनर्जी का एक ये फॉर्मूला ऐसा लगा दिया मतलब हीट एनर्जी। ओके, ये क्या हो गया वी आई टी। अगर हम ओम्स लॉ लगा दें, अलग अलग होता है यहाँ पे टी 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 स्टैंड फॉर टाइम, टी स्टैंड फॉर टाइम, आई स्टैंड फॉर करंट, ठीक है, एंड वी स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोलिए। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, बहुत बहुत अलग अलग प्रकार का फॉर्मूला क्यों पढ़ाएं, मेन तो फॉर्मूला यहीं से सब निकल रहा है, तो इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल जो आएगा आपका जो अभी कुछ करेंगे भी उसमें आप देखिएगा हर जगह अगर अलग अलग फॉर्मूला लगे तो आसानी से बन जाता है, अदरवाइज थोड़ा हमको घूमना पड़ता है। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला है और इतना आसान है तो क्यों नहीं याद कर ले। तो हीट एनर्जी जो है जो वर्क के बराबर हो किसके, अब भी के जगह मैं लग देता हूँ आई आर, ठीक है, और ये आई टी ऐसे ही रह जाएगा। अब अगेन एनर्जी जो है वो हीट वाला वो कैसे हो जाएगा आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर टी। इसलिए जो लॉ है ये एक लॉ कहलाता है, बोलता है जूल्स हीटिंग लॉ। क्या बोलता है, जूल्स हीटिंग लॉ। जूल्स हीटिंग लॉ सिंपली कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस जो हो रहा है किसी वायर में, जैसे करंट फ्लो हो रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इज डायरेक्टली, आपको ये सब तो नॉलेज आई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, तो पहला चीज़ आपको दिख रहा है करंट, तो स्क्वायर ऑफ करंट, पहला चीज़ क्या होने वाला है स्क्वायर ऑफ करंट। दूसरा चीज़ के ना क्या होने वाला है, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस चीज़ के रेसिस्टेंस, और अगेन टाइम। अब इसका क्या मतलब है थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, वैसे तो आप क्लास 10 में आपको समझ जाना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका मतलब है कि अगर आप करंट दो गुना कर देते हैं, करंट अगर दो गुना, तो दो का स्क्वायर यानी चार गुना हो जाएगा हीट एनर्जी। इफ करंट इज डबल्ड, अगर करंट को क्या कर दिया जाए, किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उस करंट को डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन हीट एनर्जी विल बिकम्स फोर टाइम्स, हीट एनर्जी जो है वो कितना गुना हो जाएगा, एनर्जी विल बिकम्स फोर टाइम्स, हीट एनर्जी जो रिलीज होगा वो कैसा हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। रेसिस्टेंस अगर दो गुना किया जाए हीट एनर्जी दो गुना हो जाएगा, टाइम अगर दो गुना किया जाए, ठीक है, जो पहले एक मिनट के कर लेते अब दो मिनट का, तो दो मिनट में दो गुना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स था जिसपे रेसिस्टेंस जिसपे हीट एनर्जी डिपेंड करता है। अगेन अब रेसिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना अच्छा हीट एनर्जी के लिए। रेसिस्टेंस कब ज़्यादा होता है, जब वायर का लेंथ जो है वो बड़ा हो, पतला हो, क्योंकि ज़्यादा जितना थिकनेस बढ़ता है एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। तो इसीलिए जब दो रेजिस्टेंस से हमको हाई लेना हो, हाई हीट एनर्जी लेना हो, तो हम लोग इफ वी हैव टू, अगर हमको चाहिए, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन है कि आपको ज़्यादा हीट एनर्जी ऑप्टेन करना है दो रेजिस्टर से, तो आपको अगर ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना है दो रेजिस्टर से या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से, इफ यू हैव टू प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी, ठीक है, तो आप किसको चुनेंगे, सीरीज को कि पैरेलल को, तो अच्छा ऑप्शन है आपके पास सीरीज को, ठीक है, वी चूज सीरीज। क्यों, सीरीज में जो ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है वो सम टोटल ऑफ सबका होता है, तो वी चूज सीरीज चुनते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए, फॉर मोर रेसिस्टेंस, इससे क्या हो जाता है, इससे ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाता है,
और ज़्यादा रेसिस्टेंस क्या हुआ, मतलब ज़्यादा हीट एनर्जी होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही जो एक फॉर्मूला है और ये पूरा स्टेटमेंट यही कहलाता है जूल्स हीटिंग लॉ। क्या कहलाता है? जूल्स हीटिंग लॉ। जरूर जूल्स का तो नाम सुने ही होंगे, जॉन स्पर्स और जूल इनका पूरा नाम है, जिनके नाम पर यूनिट ऑफ एनर्जी भी पड़ा है, वर्क भी। तो जूल्स हीटिंग लॉ, तो आपको जूल्स हीटिंग लॉ भी कहता है अगर कोई बोले, ठीक है। तो वो यही है कि द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट, रेसिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच द चार्जेज या करेंट फ्लो। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो कंबाइन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस में फेवरेबल होगा? सीरीज में, क्योंकि सीरीज में ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता होता है, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग यहाँ बात करें हीटिंग एनर्जी का, वो हीटिंग एनर्जी हम लोग बल्ब से है या हीटर वाला से है या गीजर वाला से है। ऑफकोर्स आपका फैन भी गर्म हो जाता है, आपका मोबाइल भी गर्म हो जाता है, पर वहाँ पर्पज नहीं है हीट निकालने का, वहाँ वेस्ट हो रहा है एनर्जी। तो वहाँ के हीटिंग इफेक्ट से हमको मतलब नहीं है, वहाँ तो जितना कम हो उतना अच्छा रहेगा। तो वहाँ तो ऐसा डिवाइस यूज करेंगे जहाँ कम रेजिस्टेंस हो, कम टाइम के लिए हो, तो उतना अच्छा होगा। यही कारण है कि आपको ज़्यादा देर अगर टीवी खुला रहता है तो बोलता है कम कर दो, बंद कर दो, क्योंकि जितना टाइम कम रहेगा उतना कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और उस डिवाइसेस के लिए जैसे टीवी है, ठीक है, या हमारा मोबाइल है, उसके लिए तो जितना कम हीट है उतना अच्छा फंक्शन करेगा ना। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं तो वो किससे, हीटिंग अप्लायंसेस के बारे में। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओनली हीटिंग अप्लायंसेस। हीटिंग अप्लायंसेस कौन है? तो वो सारे अप्लायंसेस, वो सारे डिवाइसेस जो ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एज कम्पेयर टू उनका काम ही है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना। हीटर है, गीजर है, ठीक है, टोस्टर है, उस जगह ओवन है, वो सब आयरन है हमारा। ओनली हीटिंग अप्लायंसेस कन्वर्ट, ओनली हीटिंग अप्लायंसेस क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो उनका मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, जितना है उसमें से मैक्सिमम 80, 90, 100 हीट मैक्सिमम एनर्जी, कौन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलते हैं, हीट एनर्जी में, ठीक है। ओके, यहाँ पे हीटिंग अप्लायंसेस को आप सुन ही गए होंगे कौन कौन है, केटली है, ठीक है, हेयर ड्रायर है, हमारा गीजर है। और इन सब में एक चीज़ खासियत होता है कि सारे हीटिंग डिवाइस में हम लोग को एक ऐसा वायर लगाना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, क्योंकि हीट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। तो ऑल द हीटिंग अप्लायंसेस, जितने हीटिंग अप्लायंसेस है उनके पास एक खासियत होनी चाहिए, ठीक है, क्या, एक हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग कॉइल होना चाहिए। अप्लायंसेस शुड हैव या हैव अ हीटिंग एलिमेंट, क्या होना चाहिए, एक हीटिंग एलिमेंट, या उसको हीटिंग कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई, ठीक है। अगेन रेसिस्टेंस होता क्यों है, या हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, रेसिस्टेंस से, ठीक है, और रेसिस्टेंस कैसे होता है, तो वो मैंने बताया या आयंस के टकराने से या बहुत सारा कारण। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में कि हीटिंग इफेक्ट, वैसे तो हीट वेस्ट ही हो रहा है, लेकिन कैसे हम लोग उस हीट को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मानव तो बहुत चालाक है, मनुष्य बहुत चालाक है, तो उस हीट को भी वो यूज कर लेता है। चलिए उसी के बारे में पढ़ते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है हमारे जो बल्ब होता है, पहले जो बल्ब जलता था इनकैंडिसेंट बल्ब, जो गोला कलर का रहता था, पीला पीला जलता था वो वाला, तो इन इनकैंडिसेंट बल्ब, तो पहला एप्लीकेशन, पहला यूज क्या है, तो इन इनकैंडिसेंट बल्ब, इनकैंडिसेंट बल्ब, या सिंपली आप बल्ब भी लिख सकते हैं, इनकैंडिसेंट बल्ब, वो बल्ब है। उस बल्ब का क्या खासियत है, आप देखते होंगे, अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाने का कोशिश करता हूँ, ये एक इस तरह का वो बल्ब होता था, और उस बल्ब में यहाँ एक फिलामेंट होता था। फिलामेंट क्या होता है, एक थिन वायर होता है, ठीक है, आपको समझ जाना चाहिए, जब मैं बोला कि थिन वायर होता है आपको इसका कारण समझ आना चाहिए। थिन वायर क्या करेगा, थिन वायर के पास लेस एरिया होगा, लेस एरिया मतलब मोर रेसिस्टेंस, ओ ठीक है, यहाँ से इसीलिए थिन एरिया, बहुत थिन पतला, बहुत पतला वायर रहता है जो बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। और ये जिससे बना रहता है उसका नाम है क्या, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन एक एलिमेंट है, डब्ल्यू साइन होता है, आपको पता भी होगा शायद, पीरियोडिक में और पढ़ेंगे। तो टंगस्टन से बना रहता है, इस टंगस्टन का क्या खासियत है कि ये हीट करने पे ग्लो होता है, तो इस टंगस्टन का यही खासियत है। और ये बहुत सारा बात है, करते हैं हम लोग धीरे धीरे। तो इसके पास एक बहुत पतला हाई रेसिस्टेंस वायर होता है, ठीक है, क्या होता है, वायर, जो किससे बना रहता है, टंगस्टन से। तो आप इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ कि मैं लिख दिया है कि बल्ब के पास बहुत पतला हाई रेसिस्टेंस का फ्लेक्सिबल एक पतला वायर रहता है, जो किसे बना रहता है, टंगस्टन। टंगस्टन ग्लो करता है कब, जब हीट करने पे, ये एक हीटिंग एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब जब करंट पास होता है तो मैक्सिमम को वो हीट में बदल देता है। अब देखिए ये बल्ब जो ग्लो कर रहा है 1-2 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, या 100-200 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, 2500 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है ये, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, ये 2500 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या इस पे मेल्ट नहीं करता है? ये भी एक खासियत है टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन और फ्यूज में बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो टंगस्टन का जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। टंगस्टन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट,
बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या किससे बचाता है, तो इसको पिघलने से, इसको पिघलाना नहीं ना, पिघल जाएगा अगर तो क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा फ्यूज। फ्यूज का बोलते हैं, तो फ्यूज बल्ब का मतलब है, अगर कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय फ्यूज बल्ब, तो फ्यूज बल्ब का सिंपली मतलब है कि बल्ब विथ ब्रोकन फिलामेंट, एक बल्ब जिसका फिलामेंट कैसा होगा, वो जो बीच वाला वायर है वो कैसा होगा, विथ वो टूटा होगा विथ ब्रोकन फिलामेंट। तो हमको वो नहीं ना करना है, और ये वो हो जाएगा कब, अगर इसको इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहे, क्योंकि जितना ही टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये मेल्ट कर जाएगा और टूट जाएगा, पर हमको वो तो नहीं चाहिए। ओके, अब ये वाइट रहता है जब तक गर्म नहीं होता है, लेकिन जहाँ गर्म हो जाता है तो ये येलो या कोई कोई वाइट भी थोड़ा थोड़ा जलने लगता है। ओके, अगर इतना हीट पे ये जल रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, कितना होता है, तो लगभग 1300 to 3400 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब इतना जाने पे वो पिघल जाएगा। ठीक है, इतना मैक्सिमम है, 3300 to 3400 मैक्सिमम है, किसी किसी वो में 3350 लिखा रहता है, किसी में कुछ लिखा रहता है, मैं सिंपल मानता हूँ कि 3300 to 3400 के बीच में जो है वो पिघलने पे आ जाता है। अब देखिए, अब इतना हीट पे आ रहा है तो अगर ऑक्सीजन का इसको बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया। अब इस हीट में जहाँ ऑक्सीजन आएगा तो इसको क्या कर देगा, जला देगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबसन, सपोर्टर ऑफ बर्निंग। तो इतना हीट में जब आएगा तो क्या कर देगा, इसको जला ही देगा। इसलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर में इस बल्ब में क्या करते हैं, तो कुछ अनरिएक्टिव गैस धर देते हैं। उसी तरह से जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि रेंसिडिटी में कि फैटी फूड को हम लोग बचाने के लिए क्या कर देते हैं, उसको ऑयल से घेर देते हैं, उसी तरह से ये चूंकि बहुत हाई टेम्परेचर पहुंच जाता है, उस हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन तुरंत रिएक्ट करके इसको बर्न कर देगा। उस बर्निंग से बचाने के लिए इसको क्या करते हैं, अनरिएक्टिव गैस से घेर देते हैं, और वो अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन होता है, जैसे आप पढ़े थे रेंसिडिटी में भी, आर्गन होता है, और भी बहुत सारा होता है। चलिए मैं उसको भी आपके लिए लिख देता हूँ, जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि चूंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे पहुंचने पे बल्ब ग्लो कर जा रहा है, इसलिए अगर ऑक्सीजन आया इसके कांटेक्ट में तो उसको जला देगा, फिलामेंट को जला देगा। इसलिए इससे बचने के लिए बल्ब को किस चीज़ से भरा जाता है, अनरिएक्टिव गैसेस से, जैसे कि N2 और आर्गन, नाइट्रोजन आर्गन, जिससे क्या बचे, इस दोनों के बीच में इंटरेक्शन यानी मेल मिलाप ना हो। आप समझिए, अब ये बल्ब है, इस बल्ब में चारों तरफ से नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को आने ही देगा इसके कांटेक्ट में, अगर इसके अंदर घुस भी जाता है, बल्ब में कहीं से हवा घुस भी जाता है, तो पूरा तो नाइट्रोजन भरा हुआ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन इतना टाइटली भरा रहता है, वैसे इसमें छेद सब रहता नहीं, आप अच्छे से देखेंगे तो वो पास करने ही नहीं देगा, आपको लगेगा नहीं छेद तो रहता है, तो आप देखिएगा यहाँ पे पूरा सीज रहता है ऐसे करके, तो इसे आएगा ही नहीं हवा, और अगर आ भी जाता है चारों तरफ क्या है, नाइट्रोजन गैस है जो उसको रिएक्ट करने नहीं देगा। तो पहला एप्लीकेशन यही है कि बल्ब को जलाने में, बल्ब ग्लो करने में हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है, मैंने डिटेल में बता दिया। दूसरा एप्लीकेशन जो है वो क्या है, तो वो है इनफ्यूज। ठीक है, इनफ्यूज, फ्यूज में ही बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, और इसको अब हम लोग देखते हैं कि कैसे फ्यूज में यूज होता है। ठीक है, इसका तो उसमें भी वर्किंग पढ़ लेते हैं। देखिए, फ्यूज जो होता है, वो फ्यूज एक सिंपली एक वायर होता है, और ये वायर भी थिन होता है उसी के तरह, जैसे कि टंगस्टन होता है, ये वायर भी थिन होता है। ठीक है, और पहली बात तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सेफ्टी डिवाइस है। आप लोग देखेंगे घर में, ये जब बहुत ज़्यादा करंट पास करता है, आप लोग सुने तो होंगे कम से कम, बहुत ज़्यादा हाई करंट पास करता है तो फ्यूज का वायर मेल्ट कर जाता है और पूरे सर्किट को बंद कर देता है, जिससे कि हमारे जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है, जैसे टीवी है, बल्ब टीवी है, फैन है, उस सबको बचा लेता है चलाने से। तो फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जिसके पास एक थिन वायर होता है, हैविंग अ थिन हाई रेजिस्टेंस वायर, थिन और हाई रेजिस्टेंस वायर होता है। ठीक है, शॉर्ट वायर। अब इसमें और उसमें अंतर क्या है, तो देखिए, उसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, टंगस्टन का हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि उस बल्ब को जलना है, लेकिन इसको पिघलना है, तो इसके पास सबसे बड़ा इस दोनों में अंतर जो है, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट इसको होगा क्यों, तो लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो कितना भी करंट पास करेगा तो ये तो पिघल ही नहीं पाएगा, और इसका काम क्या है, पिघल के सर्किट को ब्रेक करना। ठीक है, फ्यूज हैज टू मेल्ट, फ्यूज को मेल्ट करना रहता है, एंड ब्रेक द सर्किट, और सर्किट को तोड़ना रहता है, कब, जब बहुत ज़्यादा हाई करंट पास करे। अभी आप पढ़े ना कि जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो द फ्यूज हैज टू मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट इफ टू मच हाई करंट पास, अगर बहुत ज़्यादा करंट पास कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हम लोग का जो फ्यूज होता है उसका जो वायर होता है वो बहुत पतला होता है, पतला हाई रेजिस्टेंस के लिए, जैसे हीट प्रोड्यूस हो, और हीट प्रोड्यूस होने से पिघल भी जाए अगर ज़्यादा हो तो। अब फ्यूज पे कुछ रेटिंग लिखा रहता है, फ्यूज के पास क्या रहता है, कुछ रेटिंग है, सम रेटिंग, और वो रेटिंग रहता है करंट में, है सम रेटिंग, और वो रेटिंग किस तरह से रहता है, वो रहता है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर। ये रेटिंग क्या बताता है, ये रेटिंग बताता है, मान लीजिए कि कोई एक आयरन हम लगा रहे हैं,
ठीक है, या कोई बल्ब लगा रहे हैं उसका अगर 4.5 एम्पियर करंट ले रहा है, मतलब हम फ्यूज लगभग लगभग 5 एम्पियर का लगाए, जैसे कि अगर इससे ज़्यादा करंट पास करे, अब ये नहीं कि यहाँ पे 3 एम्पियर का लगा देंगे, 3 एम्पियर का लगा देंगे तो ये 4.5 कभी नहीं पास करने देगा, 3 पे जाएगा तोड़ देगा सर्किट को, तो कभी आप इस डिवाइस को यूज़ कर ही नहीं पाएगा। तो उससे हल्का ज़्यादा हम लोग फ्यूज को यूज करेंगे, जिससे क्या हो कि अगर 4.5 से 5 तक गया ठीक है, 5 से जहाँ आगे गया तो वो फ्यूज को सर्किट को तोड़ देगा और करंट पास नहीं करने देगा। ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग पावर के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। तीसरा जो मेन एप्लीकेशन है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन मैनी हीटिंग अप्लीयंसेज, बहुत सारे हीटिंग अप्लीयंसेज में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है, जैसे कौन हो गया इलेक्ट्रिकल आयरन, और क्या होगा तो इलेक्ट्रिकल आयरन के साथ आप लिख सकते हैं ओवन में, इलेक्ट्रिकल ओवन होता है, टोस्टर होता है, हीटर होता है, गीजर होता है, और भी बहुत सारा हीटर गीजर और भी बहुत सारा, मैंने वाटर हीटर को गीजर बोलते हैं, इसको इमर्शन रॉड भी कहा जाता है। तो ये सब था एप्लीकेशन ऑफ क्या चीज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हम लोग को और कन्फिडेंट हो जाए ये टॉपिक। चलिए करते हैं क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। इसको मैं दो तरीके से बना के दिखाऊंगा, दो अलग अलग फॉर्मूले से, आपको जो आसान लगे वो कीजिएगा, उम्मीद है पहला वाला ही आसान लगेगा। तो देखिए इसमें आपको करना है हीट प्रोड्यूस जब 96,000 कूलम्ब चार्ज पास किया, ट्रांसफर हुआ एक घंटे में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए चार्ज फ्लो करने के लिए, वो कितना था 50 वोल्ट का तब, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए पहला काम, आपको यूनिट तो पता है ना यहाँ पे, अगर नहीं अभी तक मैं नहीं बताया है फिर मैं समझता हूँ कि आता है आपको, नहीं आता है समझिए, यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो आता है क्या, जूल, जूल भैया, जूल जेम्स पास्कल जूल पेन पड़ा है, और अगर लार्जर यूनिट रखना चाह रहे हैं तो मल्टीपल इसका बना दीजिए किलो जूल, ठीक है, किलो जूल, ये क्या हो गया किलो जूल, मतलब 1000 जूल, किलो मीन्स 1000, तो 1000 जूल। तो यहाँ देख लीजिए हम लोग ये इन्फॉर्मेशन आप जोड़ लीजिए अगर नहीं आता है तो चलिए एक तरीका क्या है, हम लोग सीधा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है वर्क बाय चार्ज, तो ऐसे निकाल लें, तो इसे हम क्या आ जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू, तो सिंपली आ जाएगा वी को क्या करते हैं 50 × 96,000, अगेन कितना आ गया 48 आ जाएगा, 96 फाइव जा कितना हो जाएगा 48 और ये हो गया कितना 1, 2, 3, 4, यानी लगभग लगभग ये आया कितना, बहुत बड़ा आपको जूल दिख रहा है तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको 1000 से डिवाइड के किलो जूल को, जूल को किलो जूल में बदल लेता हूँ। अब क्या जानते हैं कि एक किलो जूल जो होता है वो कितना होता है 1000 जूल के बराबर, तो इतना 1000 जूल है, इसमें से 1000 में हटा देता हूँ तो इसको क्या देता हूँ 4800 किलो जूल, या तो ऐसे निकाल दूँ, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है ना, या एक जो मेथड आपको बुक में दिया जाता है ऐसा किया जाता है उसमें आप पहले बार क्या निकालेंगे ऑप्शनल, ये बड़ा लंबा मेथड, जिसे आप हीट एनर्जी ऐसे निकालेंगे, हीट एनर्जी, एक तो ये हीट एनर्जी निकल गया, एक आप ऐसे निकालेंगे जो अगर आप निकालना चाहते हैं I²RT, तो पहले इसमें क्या जरूरत होगा आपको, आई का जरूरत होगा, आई कैसे निकलेगा, तो आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे Q/T, मैं दोनों निकाल दिखा देता हूँ, तो आई के लिए 96,000/T, ठीक कितना है 1 आवर, ठीक है 1 आवर मतलब 60 मिनट, 60 मिनट को भी सेकेंड में बदल देंगे जितना आएगा, तो वो आ जाएगा लगभग लगभग आपको 26.67 एम्पियर के लगभग अंदाज में, और यहाँ पे डेसिमल का अंतर हुआ है तो समझिए वहाँ परफेक्ट 4800 किलो जूल नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, तो आई आ गया मेरा, अब आई आ गया तो अब मुझे किसका चाहिए, आर चाहिए, भी है मेरे पास, तो आर के लिए मैं क्या कर दूंगा भी बाय आई, ओम्स लॉ से भी इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे भी मेरे पास है कितना 50 वोल्ट, और आई क्या है मेरे पास 26.67, हाँ अब तो और गड़बड़ हो जाएगा 1.87 ये लगभग ओम आएगा, मेरे पास सॉल्व है इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ लगातार, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। अब हीट निकालेंगे, आपके पास आई है आर है और टाइम तो है ही, टाइम कितना है 1 आवर यानी 60 मिनट अगेन, तो हीट एनर्जी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 26.67 का स्क्वायर, ये क्या है आई है, आई है ना, आई निकला इतना इंटू आर स्क्वायर जो कि 1.87 इंटू टी, टी कितना है 60 × 60, ये आप निकालेंगे तो कुछ आ जाएगा 47.89.4 के अलावा आ जाएगा इतना जूल, ये पहले आएगा इतना 47.89400 और इसको आप बदल करके ऐसे लिख दीजिएगा, तो देख रहे हैं लगभग लगभग यहाँ 789 हुआ है, वहाँ से 11 जूल ज़्यादा यहाँ आया, तो ये ज़्यादा परफेक्ट आंसर है, ये भी वही है, एक ही बात है, तो आप दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप ऑप्ट कर सकते हैं, दोनों में वही आंसर आने वाला है, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं क्या चीज़, हीट एनर्जी को, आपके पास बहुत सारा फॉर्मूला आ गया उसमें से आपको जो पसंद आए तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पावर पे बात करेंगे और वहाँ पावर से हम इलेक्ट्रिकल पावर देखेंगे और फ्यूज के बारे में और थोड़ा बात कर लेंगे उस लेक्चर में, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल का बात कर लेंगे, तो चलिए देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।